and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, पवन सिंह का सुबह सुबह पोस्ट आता है और पोस्ट होता है कि जितना भी सही किया गलत लोगों के लिए किया। इसको लेकर अब पवन सिंह के राजनीतिक करियर को लेकर चर्चाएं होने लगी है और चर्चा इस कदर होने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी ने एन मौके पर पवन सिंह को गच्चा दे दिया। ऐसी बातें क्यों हो रही है, चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट पहली सूची में जारी किया था, जिसमें भोजपुरी के 3 सुपरस्टारों के अलावा जो ऑलरेडी सांसद हैं पवन सिंह, एक नया व्यक्ति को टिकट दिया गया और पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट पर उम्मीदवार बनाया गया, जहां से यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा, जी हां, शत्रुघ्न सिन्हा का आमना सामना पवन सिंह के साथ होने वाला था। लेकिन पवन सिंह जो है टिकट मिलने के बाद खुशी इजहार किए, खुशी के बाद जो है उन्होंने मिठाइयां भी खाई, लेकिन इन मौके पर मना कर दिया कि भैया हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इसके बाद जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद पवन सिंह कयास लगाया जा रहा है कि आरा लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन दिया है, लेकिन अब लगता है कि इस पर भी तलवार लटकते नजर आ रही है, क्योंकि पवन सिंह के सीट पर जो सांसद आर के सिन्हा हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता हैं, अधिकारी रह चुके हैं और भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, तो उन्होंने दावेदारी ठोक दिया है कि हम किसी भी हाल में हम आरा नहीं छोड़ने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक मंत्री हैं, डिप्लोमेट रह चुके हैं, इतने बड़े दिग्गज नेता हैं, आरा में काम भी किया है, तो उनका टिकट काटना भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक बड़ी बाधा है। और शायद यही वजह है कि पवन सिंह को रियलाइज हो गया है कि भाई भारतीय जनता पार्टी हमारी जो पसंदीदा सीट है उस पर किसी भी हाल में चुनाव लड़ाना नहीं चाहती है। और शायद इसीलिए उन्होंने ये सब पोस्ट लिखा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने 10 साल दिया है। इतने बड़े सुपरस्टार जो एक शो के लिए 15 से 20 लाख रुपए लेते हैं, वो स्टार को उनके पसंदीदा सीट ना दिलना पवन सिंह को लिए शायद एक झटका लगने वाली चीज़ है। और शायद इसीलिए उन्होंने लिखा है कि जितना भी सही किया गलत लोगों के लिए किया, शायद रियलाइज हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस तरीके की चीज़ें नहीं करना चाहिए। हालांकि क्या सच्चाई है, किस लिए पवन सिंह ने लिखा है, इस पर आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन अभी तक जिस तरीके का सिनारियोज है, जिस तरीके के इंसिडेंट चल रहा है, उसको देखकर तो यही लगता है। बाकी आपको क्या लगता है बताइएगा। धन्यवाद।